निर्मा का ये एड और उसमें का ये गाना तो सबके मुंह जबानी है, लेकिन अब मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको निर्मा के ये एड्स बिल्कुल याद नहीं होंगे। एक जमाने में निर्मा ब्रांड ने इंडिया का 60% डिटर्जेंट मार्केट अपने काबू में कर रखा था, पर आज उसके एड्स किसी को भी याद नहीं है। और सबसे फनी चीज तो ये है कि गुजरात में निर्मा नाम की यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन उसके बारे में कौन इंक्वायरी करे, क्योंकि इस ब्रांड के बारे में बात ही कहाँ हो रही है। आखिर कैसे एक टाइम का इतना पॉपुलर ब्रांड, एक हाउस होल्ड नेम, आज कहीं भी दिखाई नहीं देता। वेल हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि निर्मा एक $1 बिलियन कंपनी की शुरुआत हुई थी एक साधारण से सरकारी नौकरी करने वाले इंसान से। इनके फाउंडर एक केमिस्ट्री ग्रेजुएट थे, उनका छोटा सा आंगन था, उनकी सोडा पाउडर के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने की आदत थी। मीट कसन भाई पटेल, जो गुजरात के रूपुर गाँव से थे, वो एक बार डिटर्जेंट मार्केट पे रिसर्च कर रहे थे और उन्हें दो इम्पोर्टेंट खामियां नजर आई। वो मेजर खामियां थी प्राइस और क्वालिटी। अब इन्हें फिक्स करने के लिए उनके दिमाग में एक वंडरफुल आइडिया आया। बेसिकली 1960s के टाइम इंडियन मार्केट में सिर्फ एक ही डिटर्जेंट हुआ करता था और वो था हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि HUL का 10 से 15 रुपए पर किलो में बिकने वाला सर्फ। अब ऑब्वियसली सर्फ एक मोनोपोलिस्टिक पोजीशन पर था और इसीलिए उसके प्राइसेस एक्सपेंसिव थे, जो जनरल पॉपुलेशन इतने आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और इसीलिए मजबूरन मिडिल क्लास लोगों को यूज करना पड़ता था साबुन की टिक्कियां जिसमें हार्श केमिकल्स हुआ करते थे जिसे यूज करके हाथ खराब होते थे। सो अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज और 100 स्क्वायर फीट के बैकयार्ड के साथ कसन भाई निकल पड़े अपने मिशन पे। उनका मिशन सिंपल था, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा डिटर्जेंट बनाना। वो रोज सोडा ऐश को अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बिनेशन के साथ मिक्स करते थे और एक दिन अचानक से फॉर्मूला एकदम परफेक्ट बैठ गया और निकल आया एक पीले रंग का फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट पाउडर जिसने दोनों प्राइस और क्वालिटी के टेस्ट को 100% पास कर दिया। अब फॉस्फेट फ्री होने की वजह से सिर्फ हाथों के लिए नहीं बल्कि एनवायरमेंट के लिए भी काफी सेफ था, और इससे भी बड़ी खुशखबरी की बात थी डिटर्जेंट का दाम, जो सर्फ से 5 गुना कम ₹3 प्रति किलोग्राम था। अनबिलीवेबल राइट, सिर्फ 1% ने ये रिसर्च करके ये सोल्यूशन ढूंढ निकाला था। इसके बाद उन्होंने अपने इस जीनियस आविष्कार का नाम अपनी बेटी के पेट नेम निर्मा पर रख दिया। पर अभी भी एक और टेस्ट बाकी थी, डिटर्जेंट के बिकने का टेस्ट। सो शुरुआत में तो वो रोज घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के 15 किलोमीटर के रास्ते को वो साइकिल से कवर किया करते थे, खुद बेचा करते थे, और इस पूरे रास्ते में वो लगभग 15 से 20 पैकेट्स पर डे बेचा करते थे। निर्मा की बिक्री छोटे पैमाने पर ठीक ही चल रही थी, लेकिन एक दिन कसन भाई की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई जब उन्होंने अपनी बेटी को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया। लेकिन उन्होंने इस शोक को भी अपनी ताकत में बदल दिया और ये ठान लिया कि वो अब अपनी बेटी का नाम सदा अमर करके रहेंगे, अपने ब्रांड निर्मा को घर घर तक पहुंचा के रहेंगे। और बस यहीं से शुरू हुई निर्मा की एक $4 बिलियन की कंपनी बनने की असल कहानी। सबसे पहले कसन भाई ने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और शुरू किया 400 डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाना। फिर उन्होंने अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए दो आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रेटजीज प्लान की। देखो बात ऐसी थी ना, क्योंकि निर्मा एक नया प्रोडक्ट था तो कस्टमर्स में ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कसन भाई ने उन्हें ऑफर किया मनी बैक गारंटी, मतलब अगर उनको निर्मा यूज करने के बाद पसंद नहीं आया तो उसे रिटर्न कर सकते हैं और बदले में कोई भी पैसे नहीं मांगे जाएंगे। अब ये स्ट्रेटजी आज के टाइम पे काफी सारी कंपनियां करती है, लेकिन उस टाइम पे ये एक रिस्की बेट था क्योंकि बहुत से कम लोग करते थे। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए इनकी दूसरी मेजर स्ट्रेटजी थी रिटेलर्स को क्रेडिट में अपना माल बेचना, यानी कि दूसरे शब्दों में रिटेलर्स को उधार देना शुरू करना। बेसिकली इससे रिटेलर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि वो एडवांस देने की जगह महीने के आखिर में माल के बिकने के बाद पेमेंट कर सकते हैं आराम से। अब ये दोनों भी स्ट्रेटजीज थोड़ी रिस्की जरूर थी, लेकिन ये कसन भाई के लिए एकदम मास्टर स्ट्रोक साबित हो गई और निर्मा पूरे अहमदाबाद का लोएस्ट प्राइस्ड और सबसे फेमस डिटर्जेंट ब्रांड बन गया। और ये आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो कि जैसे ही निर्मा मार्केट में लिस्ट हुआ तब उसके शेयर्स अराउंड 390 रुपीस थे, पर सिर्फ दो ही महीनों में वो 800 टच कर चुके थे, जो हालांकि अब वक्त के साथ कम हो गया पर अब वो फिर बढ़ रहा है। आज की तारीख में बहुत सारे इंडियंस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस इन्वेस्टमेंट के बेटर रिटर्न्स के लिए हमेशा मार्केट को ट्रैक या रिसर्च करते रहते हैं कि कौन सा फंड बेस्ट है उनके लिए। लेकिन इसमें मेन गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट मिस हो जाता है, जो कि खुद काम नहीं करना बल्कि पैसे को अपने लिए काम कराना। एंड फ्रेंड्स, एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ET Money, जो आपको बिना मेहनत किए
बेटर रिटर्न्स अर्न करवा के देता है। ये आपको देता है हर म्यूचुअल फंड का फंड रिपोर्ट, जिसे आप आसानी से विनिंग म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हो। एंड ये फंड्स डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स होने की वजह से आपको मिलता है अप टू 1% एक्स्ट्रा रिटर्न एवरी ईयर। ये ऐप आपको फ्री पोर्टफोलियो हेल्थ चेकअप भी करके देता है, ताकि आपको बिना मेहनत के पता लगे कि आपके पोर्टफोलियो में कोई इशू है या नहीं। और अगर आपको इतनी भी मेहनत नहीं करनी है तो ये ऐप आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोस भी रेकमेंड करता है, और फिर हर मंथ बताता है कि इस पोर्टफोलियो में क्या चेंज करना है बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस। तो रुकिए क्या फ्रेंड्स, अपने मनी को FD में मत डालो बेसिक रिटर्न के लिए। पुट योर मनी टू वर्क एज वेल। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड डाउनलोड ईटी मनी ऐप नाउ एंड ग्रो योर इन्वेस्टमेंट्स। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे निर्मा कैसे अहमदाबाद का लोएस्ट प्राइस और सबसे फेमस डिटर्जेंट ब्रांड बन गया। बट इसके कुछ ही समय बाद उनकी क्रेडिट सेल स्ट्रेटजी क्रेडिट क्रंच में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि धीरे धीरे शॉपकीपर्स पेमेंट क्लियर करने में महीनों की डिले करने लगे। आप जितना लीवे दोगे उतना ज्यादा फायदा उठाया जाएगा, और इस वजह से मार्केट में तो निर्मा बिक रहा था पर कंपनी के पास टाइमली पेमेंट्स नहीं आ रहे थे। और ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस हो गई थी कि अगर जल्द ही इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता तो कंपनी बैंक्रप्सी के हालत तक पहुंच चुकी थी। अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कसन भाई ने एक और एक बार अनकन्वेंशनल और रिस्की आइडिया अपनाया। उन्होंने मार्केट से 90% निर्मा का स्टॉक एक झटके में वापस से उठा लिया, और ये करते ही सबसीक्वेंटली उन्होंने निर्मा का एड, जो अभी तक सिर्फ रेडियो पर ही चलता था, उसे टीवी पर रिलीज कर दिया। सो यहाँ पर बेसिकली हुआ ये, मार्केट में तो पहले से ही डिमांड हाई थी क्योंकि माल तो बिक रहा था, लेकिन सप्लाई कम कर दी गई और डिमांड को और बढ़ाने के लिए एक बड़े पैमाने पर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन कर दिया। अब इस एड का आइडिया एकदम गेम चेंजर निकला, क्योंकि इसने डायरेक्टली टारगेट किया अपनी ऑडियंस यानी हाउसवाइफ्स को, और उनके लिए कपड़े धोने जैसे एक बोरिंग से काम को हैप्पी और प्लेफुल एक्टिविटी की तरह दिखा दिया। इसके बाद फिर होना क्या था, देश के घर घर तक निर्मा का नाम एक आग की तरह फैल गया, और अब सब लोग मार्केट में नाम ले लेके निर्मा के बारे में ही पूछ रहे थे। लोगों को ऐसा लगने लगा कि निर्मा इतना अच्छा है कि मार्केट में आते ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। सो यू सी कितने जीनियस तरीके से लोगों के परसेप्शन के साथ खेला, और इसकी वजह से डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ते ही जा रही थी तो जाहिर सी बात है शॉपकीपर्स को मजबूरन कसन भाई को अप्रोच करना ही पड़ा। बट नाउ द बॉल वॉज इन कसन भाई कोर्ट। उन्होंने अब अपने टर्म्स पर डील करना शुरू कर दिया। सबसे पहले भाई लोग पेमेंट्स क्लियर करो, उसके बाद स्टॉक एक बार फिर से मार्केट में मैं रिलीज करूंगा। अब दोबारा मार्केट में आते ही निर्मा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा, और देखते ही देखते निर्मा ने 1980s में डिटर्जेंट मार्केट का 38% शेयर अपनी मुट्ठी में ले ली। जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कंपैरिजन, वो टाइम पे HUL के सर्फ जैसे जायंट का 31% ही सिर्फ मार्केट शेयर रह गया था। सर्फ को भी ओवरटेक कर लिया। सर्फ इनफैक्ट 15 रुपए के प्रीमियम डिटर्जेंट की तरह मार्केट में पोजीशन था, बट फिर भी वो निर्मा को लो प्राइस में भी कंपटीशन नहीं दे सकता था। जाहिर सी बात है सर्फ के मैन्युफैक्चरर्स HUL कंपनी को ये कंपटीशन बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और इस वजह से फिर सर्फ ने चली अपनी चाल। वो बेसिकली ये समझ गए थे कि प्राइसिंग में तो हम निर्मा को बीट नहीं कर सकते, तो ऐसा करते कि लोगों के दिमाग में ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जाए कि सर्फ एक प्रीमियम हाई क्वालिटी का ब्रांड है और इसीलिए वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। और इसके लिए उन्होंने बड़े टैक्टफुली उस टाइम की फेमस टीवी सीरियल उड़ान की एक्ट्रेस ललिता जी, जो जानी जाती थी एक स्मार्ट हाउसवाइफ वाले रोल के लिए, उनको चुना निर्मा के ऊपर टॉन्ट मारने के लिए कि डिटर्जेंट सस्ता नहीं बल्कि अच्छा होना चाहिए। देखिए भाई साहब, सस्ती चीज खरीदने में और अच्छी चीज खरीदने में फर्क होता है। अब इसके काउंटर में निर्मा का भी एडवर्टाइजमेंट गेम काफी स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने निकाला निर्मा सुपर, यानी निर्मा का एक नया साबुन, और उसका एडवर्टाइजिंग फेस बनाया रामायण में सीता का रोल प्ले करने वाली सबकी फेवरेट दीपिका जी को। इस एड के थ्रू निर्मा ने वेरी स्ट्रेटेजिकली ये बता दिया कि अगर अच्छी क्वालिटी कम दाम पर मिल रही है तो महंगा क्यों खरीदे भाई। अगेन सर्फ को टॉन्ट करते हुए, वही महंगे दामों वाली क्वालिटी, वही सफेदी, वही झाग कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले। Moreover, उस टाइम लोगों की रुख टीवी सीरियल्स और शो की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, तो निर्मा ने भी अकॉर्डिंगली एड्स और बॉडी प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिया, और न्यू मार्केट के डिमांड को सर्व करने के लिए बॉडी प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल सौंदर्य साबुन निर्मा, जिसका जिंगल भी फेमस सिंगर हरिहरा ने गाया था। यही नहीं, निर्मा ने बदलते सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया, जैसे कि वो एड बनाकर जिसमें चार स्ट्रॉन्ग औरतें थी, हेमा, रेखा, जया और सुषमा, कीचड़ से एम्बुलेंस निकालते हुए। सो यहां तक ऑल इन ऑल करसान भाई के स्मार्ट और टाइमली डिसीजंस के वजह से निर्मा 90s से पहले ही डिटर्जेंट मार्केट का राजा बन चुका था विद अ मैसिव 60% मार्केट शेयर, व्हिच वाज ह्यूज। पर सरप्राइजिंगली आज
निर्मा का मार्केट शेयर खाली 6% ही रह गया है। सिर्फ 30 सालों के अंदर में कैसे 60% से सीधा 6% पर निर्मा आटप का? Well, इस फॉल की असल वजह थी लेट 90s में इंडियन इकोनॉमी में आए बदलाव। सो लेट 90s में जब इंडियन इकोनॉमी ओपन हो गई तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से सोसाइटी में रिच और फैंसी दिखने वाली चीजों का ट्रेंड आने लगा। और तो और निर्मा के सबसे लॉयल कस्टमर्स मतलब लोअर मिडिल क्लास वाले लोग अब ऑब्वियसली धीरे धीरे अपर मिडिल क्लास कैटेगरी पर शिफ्ट होने लग गए। सो अब यहाँ पर निर्मा का पहला USP यानी कि सस्ता दाम अब उसी के गले की हड्डी बन गई। लोग निर्मा की क्वालिटी उसके प्राइस के ऊपर जज करने लग गए क्योंकि स्पेंडिंग पावर बढ़ गया था लोगों का एंड दे डिडंट माइंड पेइंग एक्स्ट्रा। इनफैक्ट कॉस्ट मिनिमल रखने की वजह से निर्मा कोई खास इनोवेशन में खास पैसे नहीं इन्वेस्ट कर पाया। सो 1969 में निर्मा का पैकेट कुछ ऐसा दिखता था और 2000s में ऐसा, कोई चेंज नहीं। मीनवाइल निर्मा का बिगेस्ट कॉम्पिटिटर सर्फ से सर्फ एक्सेल बन गया। उन्होंने अपना लिक्विड वॉश तक बना डाला और वो रेगुलरली अपने कस्टमर्स की जरूरतों के हिसाब से खुद को इवॉल्व करते रहे। पर सबसे बड़ी गलती जो निर्मा ने की वो थी अपने प्राइम प्रोडक्ट डिटर्जेंट से फोकस हटाना और बाकी सेक्टर्स की ओर शिफ्ट करना। जैसे कि 2003 में खुली निर्मा यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आज इतने सारे स्कूल्स ऑफ स्टडीज हैं और अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स भी। 2004 में स्टार्ट हुई निर्मा की फार्मेसी कंपनी भी जिसका नाम है निरलाइफ। निर्मा का नमक लॉन्च हुआ जिसका नाम था निर्मा शुद्ध। और 2014 में स्टार्ट हुआ निर्मा का सीमेंट बिजनेस भी नुवाको, जिसे बाय द वे आज के तारीख में उनके दो बेटे राकेश और हिरेन भाई पटेल ने ग्रो करके 5th लार्जेस्ट सीमेंट मेकर बना दिया है। बट यहाँ पर क्वेश्चन वापस से ये खड़ा हो गया कि निर्मा अब फोकस किस किस पर करे। वेल इंटरेस्टिंगली 2010 में करसान भाई ने बिना किसी ओपन स्टेटमेंट दिए निर्मा को ही स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट करवा लिया। कहने का मतलब यह है कि 2010 के बाद निर्मा प्राइवेटाइज हो गया। सो न्यू बिजनेसेस तो खोल दिए गए पर जो ओरिजिनल बिजनेस था जो कि काफी सक्सेसफुल हो गया था, घर घर का नाम बन गया था, उसे ही स्टॉप कर दिया गया। और उसके पीछे का रीजन करसान भाई ने क्या कहा? Well, उन्होंने कुछ क्लियरली नहीं बताया इस बारे में बट अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट मेन रीजन था मार्केट में चल रहा टफ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में मौजूद थे टफ प्लेयर्स लाइक ITC, HUL, गोदरेज एटसेट्रा जिसको निर्मा आज के डेट में बीट नहीं कर पा रहा था। क्या आज निर्मा कंपनी एक सक्सेस है या फिर एक फेलियर? वेल हार्ड टू से क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन करसान भाई आज भी फोर्ब्स में टॉप 100 रिचेस्ट इंडियंस की लिस्ट में आते हैं विद अ नेटवर्थ ऑफ $3 billion। और उसके पीछे का रीजन क्या है? वेल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। वही डाइवर्सिफिकेशन की वजह से अफसोस इनिशियली निर्मा डिटर्जेंट को तो भारी फटका लगा लेकिन आज उसी डाइवर्सिफिकेशन के बलबूते पर निर्मा कंपनी जिंदा है और प्रॉफिटेबल भी है। अब ये इसे देखने का एक नजरिया है। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर वो उनके मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट के ही डायरेक्शन में अगर पूरी तरीके से फोकस और मेहनत करते और डाइवर्सिफाई नहीं करते तो शायद हो सकता है कि निर्मा आज के तारीख में भी अपनी लीडरशिप पोजीशन को मेंटेन करके रख सकता था और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल होता था। वेल फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इस बारे में? और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसीजन है। आई एम प्रीटी श्योर लाइफ में ऐसे डिसीजंस बहुत सारे लोगों को भी आते हैं, मुझे पर्सनली आते हैं, कि एक ही प्रोजेक्ट पे फोकस करो या फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में डाइवर्सिफाई करो और अपने आप को ज्यादा स्टेबल बनाओ। आपको क्या लगता है किसमें आपके विनिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं? कमेंट्स में बताना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, इंस्पिरेशन मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।